आज अपन बात करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल की। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका परिमाप कैसे निकालते हैं, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो वर्ग वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है चार भुजाओं की बंद आकृति, चार भुजाओं की बंद आकृति जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो। तो ये भुजा इसके बराबर होती है, ये वाली इसके, ये वाली इसके। ये अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर बात करें इसके परिमाप की तो इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4a, मतलब 4 गुना भुजा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर। अब देखते हैं इसके बारे में विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है दो विपरीत कोणों को मिलाने वाला रेखाखंड। दो विपरीत सिरों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है? विकर्ण होता है। विकर्ण कैसे निकाले? ये अपना आधार, ये लंब, तो ये हो गया कर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट लंब मतलब ए स्क्वायर, लंब ए स्क्वायर हो गया। ये आधार, आधार भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो इसका विकर्ण क्या आ जाएगा? रूट 2a मतलब विकर्ण होता है इसका रूट 2 गुणा भुजा। ये तो होगी वर्ग के बारे में बेसिक फॉर्मूले। इस पे एक सवाल करते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 40 सेंटीमीटर हो। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा मतलब 40 गुना 40 बराबर 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसके विकर्ण की बात करें तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट 2 गुणा भुजा मतलब रूट 2 गुणा 40 बराबर 40 रूट 2 सेंटीमीटर। यदि इसके परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप होता है परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा मतलब 4 गुणा 40 बराबर 160 सेंटीमीटर। ये तो होगी वर्ग के बारे में सामान्य जानकारी। अगर सवाल ऐसा आए जैसे एक वर्गाकार खेत जिसकी माप 15 × 15 वर्ग सेमी हो तथा इसके चारों तरफ 5 सेंटीमीटर का रास्ता बनाना है तो रास्ते का क्षेत्रफल
ज्ञात करो। वर्ग है ये अपना वर्गाकार खेत, जिसकी माप दे रखी है 15 × 15, मतलब चारों भुजाएं 15-15 सेंटीमीटर की होगी। इसके चारों तरफ 5 सेंटीमीटर का रास्ता बनाना है। 5 सेंटीमीटर का रास्ता बनाया चारों तरफ, तो नया एक वर्ग का निर्माण हो गया, नए वर्ग का निर्माण हो गया। इस नए वर्ग की भुजा कितनी है वो ज्ञात करते हैं। नए वर्ग की भुजा में क्या होगा, ये जो रास्ता है 5 सेंटीमीटर इधर से बढ़ेगा, 5 सेंटीमीटर इधर से बढ़ेगा, तो कुल कितना वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हुई, कितना हो गई 25 सेंटीमीटर। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ये 25 है तो ये भी 25 सेंटीमीटर है। अब अपने को निकालना है कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा। अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो बाहर वाले वर्ग में से, बाहर वाले वर्ग में से अंदर वाला वर्ग घटा दे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो करते हैं, तो बाहर माइनस अंदर का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, रास्ते के क्षेत्रफल के बराबर होगा। रास्ते के क्षेत्रफल क्या, तो बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा 25 × 25, अंदर वाले का क्षेत्रफल 15 × 15, कितना आएगा 625 − 225, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे, बाहर वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल। यह हो गई वर्ग की बात। अब अपन दूसरी मतलब तीसरी आकृति पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज। अपन समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं। समांतर चतुर्भुज मतलब जिसकी दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। इसमें 90 डिग्री का अगर कोण हो गया तब तो ये आयत बन जाएगा। जिस प्रकार देखिए ये आयत है, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, इसमें ये भुजाएं भी समांतर हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। अब बात करते हैं इसके परिमाप की, क्षेत्रफल की। इस भुजा को अगर मैं ए मानूं, ए बी सी डी, इस भुजा को ए मानूं तथा इस भुजा को बी मानूं, तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। यदि ये ए है तो सामने वाली भी ए होगी, ये बी है तो ये वाली भी बी होगी। तो इसका परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, मतलब 2 × a + b। तो इसका परिमाप क्या होता है कि 2 + a + b, मतलब समांतर भुजाएं जो दी हैं उनका एक एक बार योग क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। अगर बात करें क्षेत्रफल की, इसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकालें, इसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकालें, उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए इस बिंदु से इस एक समांतर भुजा पर लंब डालते हैं। इसको बोल दिया अपन ने H1 बोला, तो मतलब इस बिंदु की यहां से दूरी, मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी
तो इसको बोलेंगे ऊंचाई, ऊंचाई। तो क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा कि लंबाई या आधार मान लेते हैं, इसको आधार, जिस पे लंब गिरा है उसको आधार मान लेते हैं, तो आधार गुणा ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। चलो देखते हैं, जिस प्रकार इस भुजा पर ये लंब है उसी प्रकार से इस भुजा पर भी लंब हो सकता है। जैसे H2, इस बार ये आधार हो गया, ये आधार हो गया ना, इसको अपन A मान लेते हैं, इसको H1 मान लेते हैं। मतलब जो आधार लिया है उस पे गिरा हुआ लंब उसकी ऊंचाई होता है, ठीक है। अगर ये आधार है तो इस पे डाला गया लंब क्या होता है, इसकी ऊंचाई होगा, तो इससे भी क्षेत्रफल निकल सकता है। इससे क्षेत्रफल क्या होगा, वही आधार क्या है B, ऊंचाई क्या है H2, तो मतलब दोनों ही क्या हो गए, दोनों ही क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल होंगे। तो दोनों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल है, इसका मतलब क्या हुआ, A गुणा H1 बराबर B गुणा H2, तो ये इन दोनों के बीच में संबंध होता है, ये इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है। चलो देखते हैं इस पे सवाल किस प्रकार के बनते हैं। सवाल देखते हैं, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं, जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, हो तथा ऊंचाई तथा 5 सेंटीमीटर वाली भुजा पर डाला गया लंब 8 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। देखो पहले चित्र बनाते हैं इसका। ये समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसकी एक भुजा है 10 और दूसरी भुजा है 5, इसका मतलब सामने वाली भी 10 और ये वाली 5, 5 वाली भुजा पर डाला गया लंब 8 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर पे डाला गया लंब 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणा ऊंचाई। अब कौन सा आधार लें, जिसकी ऊंचाई दे रखी है वो वाला आधार अपने को लेना पड़ेगा, तो इसका आधार कितना हुआ 5, ऊंचाई कितनी हुई 8, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो एक और सवाल देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक समांतर भुजा, एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा इस पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो और असमांतर, असमांतर
रेखा पर डाला गया लंब 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करो, लंबाई ज्ञात करो। चलो चित्र बनाते हैं। ये है समांतर चतुर्भुज, ये है समांतर चतुर्भुज। इसके बोले इसकी एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये एक भुजा हो गई 10 सेंटीमीटर, तथा इस पर डाले गए लंब की लंबाई, तथा इस पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और असमांतर भुजा पर डाला गया लंब 4 सेंटीमीटर हो। अब बताओ कि असमांतर रेखा कौन सी है इनमें, ये दोनों समांतर है तो इसकी असमांतर रेखा ये है। इस पे डाले गए लंब की लंबाई, इस पे डाले गए लंब की लंबाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इसके आधार का मान बताओ, मतलब इसकी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अभी अपन ने देखा था जिसको आधार लिया है उस पे डाला गया लंब गुणा बराबर होगा दूसरी भुजा पर डाले गए लंब के बराबर होगा। तो इसमें a क्या है, 10 हो गया, h1 क्या हो गया, 5 हो गया, तथा b कितना है, b कितना निकालना है, h2 कितना है, 4। तो b बराबर क्या आ जाएगा, 10 गुणा 5 बटे 4, मतलब ये दो बार कट गया, ये 5 बार कट गया, 25 बटे 2 बराबर 12.5 सेंटीमीटर इसके असमांतर रेखा की लंबाई आएगी। अब बात करते हैं समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज में क्या होता है, ये ठीक वर्ग के समान आकृति होती है, ये ठीक वर्ग के समान आकृति होती है, लेकिन इसमें भी प्रत्येक कोण हर कोण 90 डिग्री का नहीं होता। मतलब समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं, लेकिन इसमें जो कोण है वो 90 डिग्री का नहीं होता। 90 डिग्री का अगर कोण हो गया तो ये वर्ग हो जाता, वर्ग हो जाता, लेकिन इसमें कोण 90 डिग्री का नहीं होता। इसके परिमाप तथा क्षेत्रफल के बारे में अपन बात करते हैं। इसके परिमाप तथा क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा 4 गुणा भुजा। देखो 1, 2, 3, 4, 4 गुणा भुजा जो कि वर्ग का परिमाप है। अगर बात करें क्षेत्रफल की, अगर बात करें क्षेत्रफल की तो देखें ये समचतुर्भुज है, ठीक है, इस पे ये एक विकर्ण है, इस पे एक विकर्ण है। अगर इस पे अगर लंब डालें जिसको अपन बोल देते हैं D1, इससे इस पर लंब डालें वापस, इसको बोल देते हैं D2, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है विपरीत, विपरीत सिरों से विकर्ण पर डाले गए लंब का गुणा, तो 1/2 गुणा D1 गुणा D2। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2। D1 क्या होता है, इसके विकर्ण पर अपोजिट विपरीत सिरों से डाले गए लंब की लंबाइयों का गुणनफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। चलो इससे सवाल किस प्रकार का आता है, इससे किस प्रकार का सवाल आता है देखते हैं। एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण पर, जिसके विकर्ण पर
डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई, तो एक डाले गए लंब मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, दूसरा मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अभी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1/2 गुणा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुणा d1 गुणा d2। तो 1/2 गुणा, एक d1 की वैल्यू कितनी 10, d2 की 5, तो 2 से कटा 5 बार 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी एक विशेषता जिस पर काफी बार सवाल आते हैं, तो सम चतुर्भुज की विशेषता के बारे में बात करेंगे। नोट, यह है सम चतुर्भुज, इसके जो विकर्ण है, इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं तथा एक दूसरे को समान भागों में भी काटते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो सम चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तथा दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इसको अगर ए बी सी डी लूं तथा ये पी हो तो ए पी बराबर सी पी और बी पी बराबर डी पी होगा। ए सी और बी डी आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे, लेकिन काटने के बाद ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे तथा आपस में समद्विभाजित करेंगे। अब देखते हैं इस पे सवाल कैसा बनता है। सवाल इस प्रकार से बनता है कि एक सम चतुर्भुज जिसके विकर्ण क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करो। चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करो मतलब एक विकर्ण 6 है दूसरा 8 है तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करो। जैसे ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये कितने कितने में डिवाइड होगी, कितने कितने में बटेगी, तीन तीन में बटेगी। ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये चार चार में बटेगी। अब देखो ये त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज बन गया ये, इसमें एक 90 डिग्री का कोण है तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज बन गया तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, विकर्ण, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना 3 मान लेते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 बराबर 25। तो कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया अंडर रूट 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। मतलब सम चतुर्भुज की भुजा कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। तो आज अपन ने सीखा वर्ग, समांतर चतुर्भुज तथा सम चतुर्भुज की विशेषताएं।
डेट पहला स्टेप है 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30-5 बजे तक, अगर फिर रात की 2:11 बजे देखने की बात। चलो बाद में हो गया, वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगा ली। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू बेंच ऑफ प्लान शानदार तालियां लौड़ी से तुमको करना चाहिए। तेरे पकड़ा उस पानी में डाला जबरदस्त, उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया और जब एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा गुरुजी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पी रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दूं किसी तरह से बाहर निकल जाऊं। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग वो एफर्ट वो आप उसमें लगाओगे वो शिद्दत है, और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे आप क्यों नहीं लक्ष्य आपसे। विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी आप पे मैं ले रहा हूँ आपकी विजय के लिए।